नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल न्यू गैजेट्स यूज में। और आज हम बात करने वाले हैं Xiaomi के लेटेस्ट मॉडल लॉन्च Xiaomi Redmi Note 5 Pro, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और इसको कंपेयर करने वाले हैं Asus के लेटेस्ट मॉडल लॉन्च Asus ZenFone Max Pro M1 से। हम करते हैं इन दोनों फोन में स्पीड कंपेरिजन और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कौन सा फोन जो है बेटर रह सकता है आपके लिए। क्या अगर आपको Redmi Note 5 Pro मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो उसको बीट कर सकता है कि यहाँ पर जो है Asus ZenFone Max Pro M1। तो आज हम वही देखने वाले हैं, क्या आप इसके रिप्लेसमेंट में ये वाला फोन ले सकते हैं ZenFone Max Pro M1। तो करते हैं कंपैरिजन। तो पहले बात कर लेते हैं दोनों ही फोन की प्राइस रेंज, अवेलेबिलिटी और यहाँ पर चिपसेट और वेरिएंट की। तो बात करते हैं सबसे पहले प्राइस रेंज की। हमारे पास अभी अवेलेबल है दोनों ही फोन में जो है 4GB रैम वाले वेरिएंट, जहां पर आता है 4GB के साथ में 64GB स्टोरेज। बात करते हैं प्राइस रेंज की, तो यहाँ पर जो है प्राइस आपको मिलेगा जो की है ये Xiaomi Redmi Note 5 Pro का ऑलमोस्ट 14,000 रुपीज, जो की आता है 13,990 रुपीज। बात करते हैं यहाँ पर चिपसेट की, तो वो यूज किया गया है स्नैपड्रैगन 636। इसी के रिप्लेसमेंट में जो है Asus ने ZenFone Max Pro M1 जो है लॉन्च कर दिया है, जिसका प्राइस रखा है Redmi Note 5 Pro से 1000 रुपीज कम, जिसका प्राइस आपको मिलेगा 13000 रुपीज, मतलब 12,990 रुपीज आपको जो है देखने को मिलेगा Asus ZenFone Max Pro M1 का प्राइस। बात करते हैं चिपसेट की, तो वही चिपसेट यूज किया गया है जो कि है स्नैपड्रैगन 636। तो करते हैं Asus ZenFone Max Pro M1 को कंपैरिजन Xiaomi के Redmi Note 5 Pro से, और हम देखते हैं कि यहां पर जो है स्पीड में कौन सा फोन जो है विनर रह पाता है। तो कर देते हैं, दोनों ही फोन में स्पीड कंपैरिजन इंस्टॉल्ड है ऑलमोस्ट यहाँ पर 12 एप्लीकेशन। हम करने वाले हैं यहाँ पर दोनों ही फोन को एक साथ एप्लीकेशन ओपन, और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है बेटर परफॉर्मेंस जो है कौन से फोन की जो है रह पाती है। ये वाला है Asus का ZenFone Max Pro M1, जो कि काम करता है स्टॉक एंड्रॉइड पे, और ये वाला मॉडल है Xiaomi का Redmi Note 5 Pro, जो कि काम करता है MIUI वाले वर्जन पे। करते हैं दोनों ही फोन में स्पीड कंपैरिजन, देखते हैं कि कौन सा फोन जो है यहाँ पर विनर रह पाता है। तो हमने यहाँ पर दोनों ही फोन में वन बाय वन एप्लीकेशन ओपन करने का प्रोसेस कंप्लीट किया, जहां पर हमने देखा मैक्सिमम टाइम एप्लीकेशन ओपन किया वो है Asus का ZenFone Max Pro M1, जहां पर हमने देखा कि स्टॉक एंड्रॉइड है, काफी स्मूथली काम करता है और यहाँ पर जो है पहले एप्लीकेशन ओपन करके जो है हमें दे देता है। और यहाँ पर पहले एप्लीकेशन ओपन किया लेकिन कितने टाइम कितने मिनट का जो है डिफरेंस रहता है, तो हम करते हैं दोनों ही फोन में टाइमर स्टार्ट और करते हैं दोनों ही फोन में एप्लीकेशन स्टार्ट। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है
कौन सा फोन कम टाइम में कितने एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है पहले कंप्लीट कर लेता है। तो करते हैं यहां पर टाइमर के साथ में काउंट। तो हमने यहाँ पर दोनों ही फोन में स्पीड कंपैरिजन किया। हमने देखा कि यहाँ पर आसूस के जेनफोन मैक्स प्रो M1 ने जो कि शॉमी रेडमी नोट 5 प्रो को जो है इजीली बीट कर दिया है। यहाँ पर प्राइस कम होने के बाद में हमें जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो कि है स्टॉक एंड्रॉयड, जहाँ पर बिल्कुल स्मूथली काम करता है, इंटरफेस जो है UI जो है इसका ईजी होता है, और यहाँ पर जो है इसने टाइमर के साथ में भी जो है चिपसेट का यूज करते हुए स्नैपड्रैगन 636 को यहाँ पर जो है बीट कर दिया है शॉमी के रेडमी नोट 5 प्रो को। तो यहाँ पर जो है दोनों ही टाइम विनर रहता है वो है आसूस का जेनफोन मैक्स प्रो M1। तो ये था इन दोनों फोन के बीच में स्पीड कंपैरिजन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा फोन जो है बेटर है, यहाँ पर जो है कौन से फोन की परफॉर्मेंस जो है बेटर रह पाती है। तो ये था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव साथ में, और कमेंट कीजिएगा आपका क्या मानना है, रेडमी नोट 5 प्रो बेटर है या फिर जो है आसूस का लेटेस्ट मॉडल लॉन्च मैक्स प्रो M1 बेटर है। तो यहाँ पर आप जो है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है, जल्दी से लाइक भी कर लीजिए, फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि हम वहां पर भी जो है छोटे छोटे अपडेट्स जो देते रहते हैं। इसके अलावा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी फोन स्क्रीन पर जो है न्यू गैजेट्स का आइकन देखने को मिल जाएगा, जिसपे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट जो देखने को मिल जाएंगे। तो इतना ही था आज के वीडियो में, वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलता है ऐसे अगले वीडियो में।